Good evening, dear brothers and sisters, and welcome to the Bible study hour of LifeSpring Assembly. और आप सभी को जय मसीह की और आप सब भाइयों और बहनों का मैं स्वागत करता हूँ LifeSpring Assembly कलीसिया के बाइबल अध्ययन के समय में. And I hope all of you are sitting there with a notebook and a pencil and ready to take down notes. और मुझे पूरी आशा है कि आज की शाम आप सब अपनी नोटबुक्स और पेन लेकर के बैठे हैं ताकि आप नोट्स को लिख सकें. Because these are excellent studies from the book of Corinthians, especially the work of the Holy Spirit and His gifts. और खास रीति से कुरिन्थियों की पत्री से ये बहुत अद्भुत और अच्छी शिक्षाएं हैं जिनको हम पढ़ते हैं पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में. Remember, presently we are looking into chapters 12-14. और याद रखिए अभी वर्तमान में हम पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय से लेकर 14वें अध्याय के बीच अपने अध्ययन को रखे हुए हैं. These chapters deal with the spiritual gifts of the Holy Spirit. और ये अध्याय बात करते हैं आत्मिक वरदानों के विषय में. Remember, the purpose of God in giving the spiritual gift is for the work of the ministry we have to do. और याद रखिए कि जो परमेश्वर का उद्देश्य है हमें आत्मिक वरदानों को देने के पीछे वो ये है ताकि हम सेवा के कामों को पूरा कर सकें. We have done chapters 12 and 13. और हमने 12वें और 13वें अध्याय पर अपने अध्ययन को समाप्त कर लिया है. The entire congregation of the church, both men and women, are gifted to minister. और याद रखिए पूरी कलीसियाई संगति या मंडली जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं किसी ना किसी रीति से परमेश्वर ने उन्हें वरदान दिए हैं कि वो एक दूसरे की सेवा करने पाए. We just have to discover that gift that you and I have. लेकिन हमें सिर्फ करना इतना है कि हम उन वरदानों को जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं उन्हें खोजें. And help people in their desperate need for life. अब लोगों की सहायता करें उनके जीवन के जो जरूरतें हैं आवश्यकताएं हैं उनमें. There are two levels of Christian life. और मसीही जीवन के दो स्तर हैं. Number one, abundant life. पहला स्तर बहुतायत का जीवन. And number two, eternal life. और दूसरा अनंत जीवन. However, when we focus upon our gifts. लेकिन जब हम अपने वरदानों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं. And our abilities and talents, the problem of pride and arrogance can creep in. और अपनी योग्यताओं और विशिष्टताओं के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तब वो जो घमंड की समस्या है या जो घमंड की वो बात है वो आत्मा है वो हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है. If the Lord has granted you one or two gifts to use in the church. और मान लीजिए अगर परमेश्वर ने आपको एक या दो वरदानों से आशीषित किया है जिनका प्रयोग आप कलीसिया में कर सकते हैं. If you are not careful. और अगर आप सावधानी नहीं बरतते. And remain humble. और दीन नहीं होते. And accept that you are not worthy for this, but God in His mercy has lifted you. और इस बात को ग्रहण नहीं करते और मानते नहीं कि आप योग्य नहीं हैं, लेकिन बिना योग्य हुए भी परमेश्वर ने आपको ये दिया है. Then the problems of pride and arrogance and superiority and super spirituality always can creep in. तब याद रखिए वो घमंड की समस्या वो अति आत्मिक होना और दूसरों का तिरस्कार करने की जो भावना है वो किसी ना किसी तरीके से हमारे जीवन में प्रवेश कर सकती है. There are always some people. और हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं. Who feel that their gifts and abilities abilities make them better and more favored and privileged than others. और हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके आत्मिक वरदान या आशीषें जो परमेश्वर से उन्हें मिली हैं उनको दूसरों से कुछ बेहतर या अच्छा बनाती हैं. And this is exactly what happened in the Corinthian church. और ऐसा ही कुछ कुरिन्थी कलीसिया में भी हो रहा था. And since then it has been happening world over. और उससे लेकर अभी तक ये विश्व भर में ऐसा ही होता हुआ चला रहा है. Especially the gift of tongues is especially subject to pride and superior
spirituality. और खास रीति से अन्य भाषाओं में बात करने का जो वरदान है वो जिसके पास होता है उनमें से कई सारे लोग अपने आप को अति आत्मिक या ज्यादा आत्मिक या दूसरों से ऊंचा समझते हैं. Because of its static and heavenly nature. और वो इस कारण है क्योंकि उस आत्मिक वरदान के पीछे एक दैवीय या स्वर्गीय कारण है. The tongues is heavenly utterances. क्योंकि अन्य भाषा में बात करना स्वर्गीय शब्दों में बात करने जैसा है. As opposed to ordinary human language. जिसकी तुलना अगर हम साधारण मानवीय भाषा से करें. So what we need to keep in mind is that the gift of tongues is just one of many gifts. और इसलिए जिस बात को हमें अपने मन में बनाए रखना है वो ये है कि आत्मा अन्य भाषा में बात करने का जो वरदान है वो दूसरे वरदानों की तरह ही एक वरदान है. Each gift has its place in fulfilling the mission of the Lord Jesus Christ. और हर एक वरदान के पास एक आवश्यकता है, एक उद्देश्य है ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया के उद्देश्य को पूरा करे. And also always remember. और हमेशा इस बात को भी याद रखिए. These gifts are given to minister to the needs of the people. ये वरदान हमें इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम दूसरे लोगों की आवश्यकताओं में इन वरदानों से सेवा करने पाए. In doing so, we are to build them up. और ऐसा करने के द्वारा हमें उन्हें बनाना है. And chapter 14, we shall enter into chapter 14. और आज की शाम हम 14वें पहला कुरिन्थियों उसके 14वें अध्याय पर अपने अध्ययन को रखेंगे. Chapter 14 is divided into two divisions. और याद रखिए पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय दो भागों में हम बांट सकते हैं. The first division covers 25 verses 1 to 25. और जो पहला विभाजन का भाग है उसमें एक वचन से लेकर 25 वचन तक है. And this portion deals with the gift of tongues contrasted with the prophecy. और वचन के इस पहले विभाजन में हम देखते हैं कि दो वरदानों की तुलना करी गई है जो कि अन्य भाषाओं में बात करना और भविष्यवाणी है. And then the second division covers from verse 26 till the end of the chapter, verse 40. और जो इस अध्याय का दूसरा विभाजन है वो 26 वचन से लेकर अंतिम वचन तक जो कि 40 वचन है. And this second division deals with the place of tongues and prophecy in the church. और ये दूसरा विभाजन बात करता है कि अन्य भाषा में बात करना और भविष्यवाणियां करना इन दोनों का कलीसिया में क्या स्थान है. And you need to carefully listen and understand. और आपको बड़े ध्यान पूर्वक सुनना और समझना है. Because there are a lot of confusion exist in the church today. क्योंकि आज के दिन कलीसिया में भी इन वरदानों को लेकर कई सारी परेशानियां हैं. The use of tongues is misunderstood. और जिस प्रकार हम अन्य भाषा का प्रयोग करना है उसको लेकर एक गलत समझ हमारे भीतर है. And the place of prophecy also is misunderstood. और वो भविष्यवाणियों का जो स्थान है वो भी हम गलत समझते हैं. And misused. और उसका भी गलत उपयोग किया जाता है. Which causes lot of confusion. जो कि कई सारी परेशानियों को लेकर के आता है. And many churches just accept these things and they think it is all part of the ministry. और कई सारे कलीसिया इस चीज को ग्रहण कर लेते हैं और मान लेते हैं कि अरे ये तो सेवा का ही भाग है. And so we need to give these studies very careful attention. और इसलिए इस अध्ययन को हमें बड़े सावधानी के साथ ध्यान के संग इसमें भाग लेना है. There are a number of instructions to maintain. और कई सारे ऐसे दिशा निर्देश हैं जिनको हमें बनाए रखना है. And a good order and discipline to be maintained. Especially in public meetings. और एक अनुशासन और एक प्रक्रिया को एक प्रणाली को हमें बनाए रखना है खास रीति से जो सार्वजनिक रीति से हम सभाओं को या संगति को करते हैं. There are a number of confusions to be avoided. ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जिनको हमें दूर करना है. And order is to be maintained. और एक अनुशासन को बना करके चलना है. And as well as discipline. और एक अनुशासन. And especially in public meeting. और खास रीति से जब हम सभाओं को या संगतियों को सार्वजनिक रूप से करते हैं. And there are lot of order
to be maintained, to avoid unnecessary criticism, and that from non-Pentecostal churches. और एक खास रीति से एक प्रक्रिया को एक प्रणाली को लेकर हमें बनाए रखना है ताकि जो गैर पेंटेकोस्टल कलीसियाएं हैं उनसे गलत विचारों को या आलोचनाओं को हमें ना सुनने के लिए। See, unfortunately, we have been emphasizing too much on speaking in tongues. और का दुर्भाग्य तो ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं अन्य भाषा में बात करने And then prophecy. और भविष्यवाणी के विषय में while neglecting to give attention to bearing fruit of the spirit. और इस बात को हम तिरस्कार या दरकनार कर देते हैं कि आत्मा का फल भी तो हमें ही लाना है. A lot of emphasis is given on speaking in tongues and this has caused rejection of Pentecostals by other. बहुत ज्यादा दबाव और ध्यान दिया जाता है अन्य भाषा में बात करने के लिए जिस कारणवश पेंटेकोस्ट की कलीसियाओं को कई सारी आलोचनाएं और विरोध भी सहना पड़ता है. The present passage is a contrast of the gift of tongues with prophecy. और जो वर्तमान का वचन का भाग है वो भविष्यवाणी का वरदान और अन्य भाषाओं में बात करने के वरदान के बीच में एक तुलना है. So let us listen very carefully and understand. और आइए बड़े सावधानी से हम सुने और इस बात को समझे. Number one, पहली बात, gifts are to be coveted. जो वरदान जो तोहफे परमेश्वर ने हमें दिए हैं उन्हें हमें अपने में बनाए रखना है. When we read it, जब हम इसे पढ़ते हैं, we think that gift means speaking in tongues. हम ऐसा लगता है कि उस वरदान का मतलब है अन्य भाषाओं में बात करना. But Apostle Paul especially emphasized in the prophecy. लेकिन पौलुस प्रेरित खास रीति से भविष्यवाणियों पर ध्यान रख दिखाता है. Let us read chapter 14 verse 1. पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसके पहले वचन में हम देखते हैं प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो. The apostle's teachings is very very clear. There is no need for any confusion. और प्रेरितों की शिक्षाएं बड़ी स्पष्ट और साफ हैं इसलिए उसको समझाने की कोई जरूरत नहीं. When apostle Paul says covet the gift is mainly he is referring to prophecy. और जब पौलुस प्रेरित इस बात को कहता है कि आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो तो वो खास रीति से भविष्यवाणी की बात कर रहा है. And then verse 2-5. और उसके पश्चात दूसरे वचन से लेकर पांचवें वचन तक we have the difference between tongues and prophecy. हम देखते हैं कि अंतर को भविष्यवाणी और अन्य भाषा में बात करने के दोनों वरदानों के बीच में जो अंतर है उसे. And thirdly, from verses 6-14. और तीसरा जो हम देखते हैं छठे वचन से लेकर चौदहवें वचन तक the problem with tongues. कि अन्य भाषाओं में बात करने का जो वरदान है उसके संग समस्या क्या है. And then fourthly, और चौथी बात the gift of tongues and Paul's personal worship. आत्मिक अन्य भाषा में बात करने का आत्मिक वरदान और पौलुस का व्यक्तिगत आराधना करना. Verses 15-20. और उसको हम पढ़ते हैं 15वें वचन से लेकर 20वें वचन तक. And fifthly, और पांचवा विभाजन the purpose of tongues and prophecy. कि अन्य भाषा का वरदान और भविष्यवाणी करने के वरदान का उद्देश्य क्या है. Verses 21-25. और उसके लिए वचन 21 से लेकर 25 तक. So let us begin with verse 1. और इसलिए आइए हम पहले वचन से अपनी शुरुआत करेंगे. You have already heard as Pastor Mahendra read it. और आपने इस वचन को सुन लिया है जब मैंने इसे अभी पहले पढ़ा था. Covet spiritual gift. और पौलुस प्रेरित कहता है आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो. Especially prophecy. और खास रीति से भविष्यवाणी. Now, Paul's assertion is gifts are to be coveted. और पौलुस यहाँ पर इस बात को कहता है कि आत्मिक वरदानों की खोज या धुन में हमें लगे रहना है. Especially prophecy. और खास रीति से भविष्यवाणी. Two points are to be noted here. दो मुख्य बातों को यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है. Number one. पहली बात. Love is to be pursued above all else in life. कि प्रेम को हमें सबसे ज्यादा खोजना या उसकी धुन में लगे रहना है किसी और बात से जीवन में. Gifts, abilities, talents are important. तोहफे वरदान योग्यताएं और तोड़े सब महत्वपूर्ण हैं. But listen carefully. But they pale into insignificant
in comparison with love. लेकिन सुनिए खास रीति से, जब इनकी तुलना प्रेम से करी जाए तो ये अमहत्वपूर्ण दिखते हैं. Love is the greatest need and the supreme answer to all the needs of men. और याद रखिए, प्रेम सबसे बड़ी आवश्यकता है और सबसे और महान उत्तर है उन सारी आवश्यकताओं का जो एक मानव को है. True and sincere love will do all we can to meet all the needs of a person whom we love. और एक सच्चा और विनम्र प्रेम वो सारी बातों को करेगा ताकि वो उस दूसरे व्यक्ति की जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा कर सके जिससे हम प्रेम रखते हैं. Now in verse 1 this word is used to follow. और पहले अध्याय में एक शब्द का प्रयोग किया गया जिसका हिंदी में अनुवाद है अनुकरण करना. And the word follow means to pursue. और ये शब्द अनुकरण का मतलब है कि पीछे चलना. And persist in it. और लगातार उसके पीछे रहना. To continue on and on. और निरंतर उसके पीछे लगे रहना. Never giving up. कभी हार ना माने बिना. Until love is possessed. जब तक प्रेम कब्जा ना कर ले. So that is the first thing. और ये वो पहली बात है. Secondly, दूसरी बात, spiritual gifts are to be desired. हमें आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहना है. We are to pursue love. हमें प्रेम को खोजना है. But this doesn't mean we are not to seek the spiritual gifts of God. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें परमेश्वर के आत्मिक वरदानों की खोज नहीं करनी. On the contrary, बल्कि दूसरे हाथ पर, the more we love God जितना and men, जितना ज़्यादा प्रेम हम परमेश्वर और मनुष्यों से करेंगे, the more we covet the gifts of the Spirit of God, उतना ज़्यादा ही हम परमेश्वर के आत्मिक वरदानों की खोज करेंगे. So that we can minister and help the world of men more effectively. ताकि हम मनुष्यों के संसार की सहायता कर सके और उनके बीच बड़ी कार्यशील रीति से सेवा करने पाए. When we declare to the world, जब हम इस बात की घोषणा संसार में करते that Jesus can heal, कि यीशु चंगा करता है, we need to possess that gift of healing, तब हमारे पास वो चंगाई का वरदान होना जरूरी है. To convince men and women that the Bible is true and it is the Holy Spirit's duty to manifest himself by healing people. ताकि हम लोगों को इस बात के लिए कायल करें कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है और पवित्र आत्मा की तो ये सेवा ही है कि वो दूसरों के बीच जाए और उन्हें चंगा करे. Now look at the word desire. और वहां पर जो शब्द है उस शब्द को हम देखेंगे, इच्छा रखना या धुन में लगे रहना. That word desire means to covet earnestly. इसका मतलब ये है कि हम लौ लगाकर परमेश्वर की उस आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहें. To be zealous. और उसके लिए एक जलन अपने अंदर रखें. And ambitious for. और उसके लिए एक खोज को, एक प्यास को अपने अंदर रखें. That is the meaning of the word desire. और इसी यही मतलब है उस शब्द धुन में लगे रहने का. And so when you read this portion in the Bible, और इसलिए वचन में जब आप इस वचन के भाग को पढ़ते हैं, it is good to keep these meanings of these words also. तब ये बड़ा अच्छा होगा कि इन शब्दों के अर्थों को भी हम अपने संग रखें. And the second thought is, जो दूसरा विचार वो है, tongues and gift of prophecy. और अन्य भाषा में बात करना और भविष्यवाणी का वरदान. First let us understand the difference between tongues and prophecy. आइए पहले हम ये इस अंतर को समझे कि अन्य भाषा में बात करना और भविष्यवाणी, ये जो दोनों वरदान हैं, इनमें अंतर क्या है. Remember that the gift of tongues is the gift that is so subject to pride and superiority complex and a super spirituality feeling. और याद रखिए, अन्य भाषा में बात करने का जो वरदान है वो कई बार लोगों के अंदर एक घमंड, एक अपने आप को बेहतर महसूस करना या दूसरों से अच्छा समझना या अति आत्मिक होने की भावनाओं को लेकर के आता है. Because of its unearthly and or heavenly nature. और वो इस कारण वर्ष हो सकता है जो उसका सांसारिक या स्वर्गीय स्वभाव है. However,
its true importance is shown by contrasting it with the gift of prophecy. लेकिन अन्य भाषा का जो वरदान है उसकी सच्ची आवश्यकता को हम देखते हैं जब उसकी तुलना भविष्यवाणी के वरदान से की गई है. Now, the differences between tongues and prophecy are said to be threefold. और अन्य भाषा में बात करना और भविष्यवाणी के बीच में जो अंतर है वो तीन है. Number one, पहला अंतर, tongues are addressed to God. जो अन्य भाषा में बात करना है वो हम परमेश्वर से करते हैं. Whereas prophecy is addressed to man. जहां पर हम अगर उसकी तुलना भविष्यवाणी से करें तो हम भविष्यवाणी मनुष्य के लिए करते हैं. So let us read verses 2 and 3. और आइए दूसरा और तीसरा वचन हम पढ़े. क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है. परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है. See, Apostle Paul is very clear in his teaching. और पौलुस पीड़ित अपनी शिक्षा में बड़ा स्पष्ट है. If we understand it clearly, और अगर हम इस बात को बड़ी सही रीति से समझें, simply put it, Scripture declares that tongues do not edify or benefit men as much as prophecy. और साधारण रीति से ये कहा जा सकता है कि अन्य भाषा में बात करना उतना मनुष्य को या कलीसिया को शुद्ध नहीं करता जितना एक भविष्यवाणी का वरदान करता है. There are reasons for this. और इसके लिए कई सारे कारण भी हैं. If you keep on speaking in tongues in a public service. अब मान लीजिए आप एक सार्वजनिक सभा में जहां और लोग भी आपके संग हैं, आप निरंतर अन्य भाषा में बात करते रहते हैं. और यहां तक कि हमारी रविवार की सुबह की सभा में भी. You know, people keep on shouting and just keep on talking, I mean in tongues. और तब लोग जो है निरंतर अन्य भाषा में बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं. We need to learn to keep discipline and order. लेकिन हमें ये भी सीखना है कि एक अनुशासन उस सभा में भी हमें बना करके चलना. Number one reason is, और पहला कारण ये है, tongues are directed to God or toward God. कि जो अन्य भाषा है वो परमेश्वर से या परमेश्वर के लिए बोली जाती है. It is the main purpose is to have communion with him. और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम परमेश्वर के संग एक संगति करने पाएं. With between who? और किसके बीच में? The speaker and his God. और जो बोल रहा है और परमेश्वर के बीच में. And by speaking in tongues. और अन्य भाषाओं में बात करने के द्वारा यू आर स्पीकिंग टू गॉड. आप परमेश्वर से बात करते हैं. व्हाइल एंजॉयिंग द कम्युनियन विद हिम. और उसके संग जो संगति है उसका आनंद उठाते हैं. यू आर शेयरिंग मिस्टरीज ऑफ गॉड विद गॉड. आप परमेश्वर के रहस्यमय बातों को उसके संग बांटते हैं. Mysteries means secret. और रहस्य की बातों का मतलब है गुप्त बातें. Now then the question is, और अब सवाल ये उठता है, does the speaker understand what he is speaking? क्या जो बोल रहा है अन्य भाषा उसको समझ में आता है वो क्या बोल रहा है? Not necessarily. और ये जरूरी नहीं है. But he is enjoying his communion and fellowship with God. यानी वो तो अपने उस संगति का परमेश्वर के साथ आनंद उठा रहा है. And so if you do that, और अगर आप ऐसा करते हैं, you don't have to shout, तब आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं. You don't have to clap your hands, तब आपको जोर से जोर-जोर तालियां बजाने की जरूरत नहीं. You don't have to jump up and down. तब आपको ऊपर नीचे कूदने की आवश्यकता नहीं. You know, in some congregations, आपको पता है कुछ सभाओं में, you know, you notice people, you know, they it's just like they are sitting on a spring going up and down. कुछ लोगों को आप देखते होंगे वो उछलते कूदते रहते हैं. ऐसा लगता है मानो किसी स्प्रिंग के ऊपर बैठे. See, these are all physical manifestation. और ये सारी बातें तो शारीरिक देखने में हैं. It does not mean anything to the onlookers or others. और ये दूसरों के लिए जो सभा में मौजूद है, जब वो इस चीज को देखते हैं कि इन बातों का उनके लिए कोई मायना या आवश्यकता नहीं. So you can talk to God in a personal way. और इसलिए आप परमेश्वर के संग एक व्यक्तिगत तरीके से बात कर सकते हैं. So that is one reason
why it is between you and God. और इसीलिए वो एक कारण है कि क्यों ये परमेश्वर आपके बीच में है. And secondly, और दूसरी बात, tongues are not understood by men, and Scripture is very clear, no one understand him. और जो अन्य भाषा है वो मनुष्यों के द्वारा समझी नहीं जाती, और वचन भी इसी चीज को बताता है कि कोई मनुष्य उसे समझना के लिए समझना मुश्किल. So you read this portion clearly mentioned. When a person is simply talking in tongues, he is addressing to God, and others don't even understand. और ये इस वचन के भाग में जब आप पढ़ते हैं तो खास स्पष्ट रीति से ये लिखा है, जब एक व्यक्ति अन्य भाषा में बात कर रहा है तो वो परमेश्वर से बात करता है. And that no one understand means no one hears, get the sense or grasp the meaning of what is being said. तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इस बात के अर्थ को नहीं समझता या इस बात को जानता कि वो व्यक्ति परमेश्वर से क्या बात कर रहा है. And then thirdly, तीसरी बात, the believer who prophesies, वो विश्वासी जो भविष्यवाणी करता है, he edifies, exhorts, comforts and the listeners. वो व्यक्ति सुनने वाले को शुद्ध, उसको घोषणा और उसको सद्भावना देता है अपनी उस भविष्यवाणी के द्वारा. That is why while tongues are not understood by others. और जबकि ये जो अन्य भाषा है दूसरों से समझी नहीं जाती. When you prophesy, लेकिन जब आप भविष्यवाणी करते हैं, everybody understand. तब सब समझते हैं. And some people are exhorted. और कुछ लोगों को वहाँ से उपदेश मिलता है. Some people are comforted. कुछ लोगों को शांति मिलती है. Some people are encouraged. कुछ लोगों को प्रोत्साहन मिलता है. And so the whole body is benefited through the prophecy. और इसलिए भविष्यवाणी के द्वारा पूरी कलीसिया को लाभ पहुंचता है. If the purpose of ministry is to reach and help people, और अगर हमारी सेवा का उद्देश्य लोगों की मदद करना और उन तक पहुंचना है, the people need to understand the message of the believers. तब लोगों को विश्वासियों के संदेश को भी समझना जरूरी है. Now in a public meeting, एक सार्वजनिक सभा में, even unsaved people may be sitting, हो सकता है गैर मसीह भी वहाँ बैठे हो, and or some non-Pentecostal may be sitting, हो सकता है गैर पेंटिकोस्ट के विश्वासी हो, and they don't understand anything, और उन्हें ये सारी बात समझ में नहीं आती. If the whole church keeps on talking in tongues, अगर पूरी कलीसिया अन्य भाषा में बात करने लगे, that benefits nobody, वो किसी भी को भी लाभ नहीं पहुंचाता. But at the same time, लेकिन उसी समय a prophecy is given, जब एक भविष्यवाणी दी जाती है, it is understood by everyone. उस भविष्यवाणी को हर कोई समझता है. Now the point is, और यहाँ पर जो बात है, the primary message upon our lips must be the gospel. उसका यहाँ पर जो बात है वो ये है कि हमारे मुख में जो मुख्य संदेश होना चाहिए वो सुसमाचार होना चाहिए. And it must be understandable to all men. और वो इस तरीके से होना चाहिए ताकि हर कोई उस समाचार को समझने पाए. Then only people are edified. और तब ही लोग शुद्ध होते हैं. And helped. और उनकी सहायता होती है. And they receive a message. और उन्हें वो संदेश मिलता है. The second thing is. और जो दूसरी बात है. Tongues edify self. अन्य भाषाओं में बात करने के द्वारा एक व्यक्ति खुद को शुद्ध करता है. See, if I speak in tongues, मान लीजिए अगर मैं अन्य भाषा में बात करता हूं, I am benefited. तब मुझे लाभ मिलता है. Whereas prophecy edifies the entire church. जहां पर अगर हम प्रोफेसी या भविष्यवाणी से तुलना करें तो वो पूरी कलीसिया को शुद्ध करती है. So, let us read verse 4. आइए चौथे वचन को हम पढ़ें. जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु भविष्यवाणी जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है. Tongues are useful. और अन्य भाषा तो जरूरी है, महत्वपूर्ण है. To the particular person who speaks in tongues. जो व्यक्ति उस अन्य भाषा में बात करता है उसके लिए. Tongues edify self. लेकिन याद रखिए, अन्य भाषा में बात करने से एक व्यक्ति खुद की उन्नति करता है. But prophecy is of much more useful. लेकिन भविष्यवाणी उससे कहीं बढ़कर आवश्यक है. It edifies the whole church. क्योंकि ये पूरे कलीसिया की उन्नति करता है. Everyone is benefited. और हर कोई इसका लाभ उठाता है. Thus the prophecy builds up far more people. और इसके द्वारा एक भविष्यवाणी कई सारे लोगों को बनाती है.
and note something else. और किसी एक और बात को भी हम देखें. The gift of tongues is a focus on self edification. जो अन्य भाषा का वरदान है वो स्वयं की उन्नति के ऊपर ध्यान रखता है. But the gift of prophecy is for the edification of others. लेकिन भविष्यवाणी का जो वरदान है वो दूसरों की उन्नति की ओर ध्यान रखता है. The prophecy is focused upon the ministry, upon the edification of others. और जो भविष्यवाणी है वो दूसरों की उन्नति और दूसरों के बीच सेवा के लिए ध्यान रखता है. Self edification is important. याद रखिए स्वयं की उन्नति जरूरी है. But the ministry of edifying others is far more important. लेकिन दूसरों की उन्नति की जो सेवा है वो कहीं ज्यादा बड़ी है. Because in a congregation, क्योंकि एक कलीसियाई रूप में, we all are to help one another. हम सब को एक दूसरे की सहायता करनी so है. What I do, और इसलिए जो मैं करता हूँ edify others. वो दूसरों को उन्नति करने पाए. So if others are to be edified, और अगर दूसरों की उन्नति होना है, others must understand what I am speaking. तब दूसरों को ये समझना है जो मैं बोलता हूँ. I hope you all understanding. मुझे पूरी आशा है कि आप सब इस बात को समझ रहे हैं. And the third thing is, और जो तीसरी बात है, tongues are commendable. जो अन्य भाषा में बात करने का वरदान है, but सराहनीय है. But prophecy is more commendable. लेकिन भविष्यवाणी का वरदान उससे बढ़कर अति सराहनीय है. Verse 4 is a verse that needs to be given close attention. और जो चौथा वचन इस अध्याय में है वो एक ऐसा वचन है जिसमें हमें खास ध्यान रखना है. By both those who emphasize and by those who minimize and deny tongues. उन दोनों लोगों के समूह के लिए जो या तो अन्य भाषा के वरदान पर बड़ा खास और बड़ा ही नज़दीकी ध्यान रखते हैं, या दूसरे हाथ पर ऐसे लोगों के समूह के लिए जो अन्य भाषा के वरदान का तिरस्कार करते हैं, उसके लिए मना करते हैं. Notice three things. तीन बातों को हमें ध्यान रखना है. Paul would like for all to speak with tongues. पौलुस प्रेरित तो चाहता है कि हम सब अन्य भाषा में बात करें. Secondly, दूसरी, but far more important is, लेकिन उससे कहीं बढ़कर जो महत्वपूर्ण है, for all to prophesy, उससे वो ये है कि हम सब भविष्यवाणी करें, and proclaim the gospel, और सुसमाचार की घोषणा करें. And thirdly, और तीसरी बात, the prophet is far more important, वो भविष्यवक्ता कहीं बढ़कर के है, than the man who speaks in tongues, उस व्यक्ति से जो अन्य भाषा में बात करता है. Unless the tongues are interpreted. जब तक अन्य भाषा का जो है, जो बोला गया है, उसका अनुवाद ना किया जाए. Notice here one word. एक शब्द पर को आप ध्यान दीजिए. The emphasis is on edification. जो दबाव जिस शब्द के ऊपर रखा गया है, वो है उन्नति. And my brothers and sisters. मेरे भाइयों और बहनों. And we all have experiences. हम सब के पास अनुभव है. And in a public meeting, और एक सार्वजनिक सभा में, Apostle Paul gives us a clear indication through this teaching. पौलुस प्रेरित इन शिक्षाओं के द्वारा बड़ी स्पष्ट रीति से हमें बताता है. The one who speaks in tongues, he speaks to God. वो जो अन्य भाषा में बात करता है, वो परमेश्वर से बात कर रहा है. So he is enjoying a relationship between God and himself. और इसलिए वो परमेश्वर और अपने बीच में एक रिश्ते का आनंद उठाता है. That doesn't have to be publicized by speaking in tongues. और इस बात को हमें लोगों के बीच सार्वजनिक रूप से घोषणा करने की जरूरत नहीं है. You can silently speak. बड़ी शांति के संग आप बात कर सकते हैं. And address to God. और परमेश्वर को पुकार सकते हैं. And the Holy Spirit is using tongues to communicate to God things that are difficult for you to put in words. और पवित्र आत्मा आपके द्वारा उन बातों को जो आपके द्वारा शब्दों में बोली नहीं जा सकती, कठिन है, परमेश्वर तक उन बातों को बता रहा है. So we will continue this. और हम अपने इस अध्ययन को जारी रखेंगे. Whatever I taught you today. और जो कुछ मैंने आज के दिन आपको अध्ययन में बताया, I am sure you will take it seriously and consider and read carefully the passages. और मुझे पूरा विश्वास है आप उसे गंभीरता से लेंगे और बड़ी गंभीरता और सावधानी के संग इन वचनों के भाग को पढ़िए. We are not saying tongue is not important. हम ऐसा नहीं कह रहे कि अन्य भाषा में बात करना आवश्यक नहीं है. In fact, Apostle Paul said. लेकिन यहाँ तक तो पौलुस प्रेरित भी ये कहता है. I speak in tongues. More than anyone else. वो कहता है कि मैं किसी और से बढ़कर अन्य भाषा में बात करता हूँ.
But when? लेकिन कब? When he is alone. जब वो अकेला है. You can have a whole prayer. और आपके पास पूरी प्रार्थना आप अपनी अन्य भाषा में कर सकते हैं. But if you are sitting in a public place. लेकिन अगर आप एक सार्वजनिक स्थान पर हैं. That others should be able to say Amen. तब दूसरे भी आपकी प्रार्थना सुनकर आमीन और परमेश्वर की स्तुति करने पाएं. They can do it meaningfully only when they understand what you are saying. और वो तभी इसको अर्थ के साथ कर पाएंगे जब वो समझ पाएंगे जो आप कह रहे हैं. So continue to seek the Lord. और इसलिए निरंतर परमेश्वर के मुख को निहारें. And baptism in the Holy Spirit is an experience that every born-again Christian can have. और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक ऐसा अनुभव है जो हर एक नए जन पाए मसीह के पास होना जरूरी है. And God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. And meditate on these things that I spoke to you. और इन वचन के इस भाग पर आप मनन करिए जो शिक्षा आज की शाम मैंने आपको दी है. And understand. और इसे समझने की कोशिश करिए. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. The word of God is alive. परमेश्वर का वचन जीवित है. And we need to dwell on God's word and grow in it. और हमें परमेश्वर के वचन पर बने रहना है और उसमें बढ़ना है. So keep reading chapter 14. और इसलिए पहला कुरिन्थियों उसका 14वें अध्याय को आप पढ़ते रहिए. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष. And good night. और आज शुभ रात्रि आपकी हो. God's presence be with you. परमेश्वर की उपस्थिति आप सबके साथ. आमीन. आमीन.